तेसू। तेसू बुंदेली लोक परंपराओं में गाया जाने वाला एक लोकगीत है। डॉक्टर रविंद्र भ्रमर द्वारा हिंदी साहित्य कोश में दी गई टिप्पणी के अनुसार यह लोकगीत ब्रज में भी लोकप्रिय एवं प्रचलित है। यह गीत किसी तेसू नामधारी वीर पुरुष की स्मृति में गाया जाता है। उसके वैभव, शौर्य, अड़ियलपन तथा जबरन चौथ वसूलने की प्रवृत्ति का संकलित चित्र प्रस्तुत करता है। तेसू के मूल स्थान का उल्लेख इतिहास ग्रंथों में नहीं मिलता है, किंतु यह निश्चित है कि उसके शौर्य प्रसंग दूर दूर तक चर्चित रहे हैं। तभी तो वह ब्रज से बुंदेलखंड तक अपने स्मृति चिन्ह छोड़ गया। बुंदेली लोक परंपरा में सुआटा नामक एक खेल है, जिसे किशोर किशोरियां एक माह तक खेलते हैं। इसी के अंतर्गत शारदीय नवरात्रि से शरद पूर्णिमा तक यह गीत गाया जाता है। यहाँ सुआटा की परंपरा पर भी संक्षिप्त प्रकाश डालना आवश्यक है। सुआटा बुंदेलखंड के किशोर किशोरियों का क्रीडात्मक उपासना विधान है, जिसे बुंदेली संस्कृति का विशिष्ट लोकोत्सव कहा जाता है। यह भाद्रपद पूर्णिमा से अश्विन पूर्णिमा शरद पूर्णिमा तक 5 चरणों में पूरा होता है। सुआटा के प्रथम चरण में मामुलिया खेली जाती है। यह किशोरियों का खेल है, जो भाद्रपद पूर्णिमा से अश्विन कृष्ण अमावस्या तक चलता है। इस अवधि में किशोरी बालिकाएं पूर्वाभिमुखी दीवार पर एक आयातकार आखेल बनाती हैं, जिसके चारों ओर बेल पूटे तथा अंदर ऊपर की ओर दोनों कानों में सूर्य तथा चंद्र चित्रित होते हैं। सायकाल किशोरी बालिकाएं झुंड बनाकर घरों से निकलती हैं तथा बेर या बबूल की कांटेदार टहनी लेकर उसे पुष्पों से सजाकर दुल्हन सा बनाकर गीत गाती हुई गली गली घूमकर जंगल की ओर जाकर सूर्यास्त के बाद इस टहनी को, जिसे सज्जत रूप में मामुलिया कहते हैं, प्रतिदिन किसी जलाशय में विसर्जित कर दिया जाता है। तत्पश्चात वे किशोरी बालिकाएं उक्त वर्णित सुआटा आलेख के पास एकत्रित होती हैं तथा गाती हुई उस आलेख पर गोबर की थपियां चिपकाती हैं। तत्पश्चात चंद्रमा को साक्षी मानकर तथा वंदन करके अपने अपने घरों को लौट जाती हैं। प्रातः वे थपियां उसमें से निकालकर एकत्रित रख ली जाती हैं तथा अंतिम दिन उन थपियों को जलाशय में विसर्जित कर देते हैं। सुआटा के द्वितीय चरण में नौरता खेल खेला जाता है। यह अश्विन शुक्ल प्रतिपदा से अष्टमी तक नवरात्रि में चलने के कारण नौरता कहलाता है। इसके अंतर्गत सुआटा नामक दैत्य राजा की प्रतिमा गोबर से बनाकर रत्नों की प्रतीक कौड़ियों से उसे अलंकृत करते हैं तथा प्रतिदिन उस दैत्य प्रतिमा को दुग्ध स्नान कराया जाता है एवं गौरी प्रतिमा स्थापित करके उसकी भी नित्य पूजा की जाती है। यह पर्व उस दैत्य की विवशता पूर्ण पूजा तथा उससे मुक्ति हेतु गौरी की प्रार्थना का प्रतीक है। अष्टमी को सामूहिक भोज भस्कु होता है, जिसमें किशोर किशोरियां सम्मिलित होते हैं। बालिका का विवाह हो जाने के बाद उसे सुआटा खेल से मुक्ति लेने हेतु सुआटा उजाना पड़ता है। जो बालिकाएं सुआटा खेलती रही हैं, वे विवाहोपरांत पड़ने वाले इस लोक पर्व में नवमी के दिन सुआटा उजाती हैं। सुआटा के तरीत्रे चरण में बालक टेसू खेल खेलते हैं। यह अश्विन शुक्ल अष्टमी से शरद पूर्णिमा तक चलता है। इस खेल का प्रतिपाद्य यही टेसू खेल तथा उसे खेलते समय गाया जाने वाला लोकगीत है। सुआटा के चौथे चरण में बालिकाएं नवमी से चतुर्दशी तक झिंझिया खेलती हैं। इसे ढिरिया भी कहते हैं। मिट्टी के एक घड़े के ऊपरी भाग में सैकड़ों छेद करके घड़े के अंदर अनाज तथा उसके ऊपर प्रज्वलित दीपक रखकर ढिरिया बनाते हैं। इसे लेकर किशोरियां द्वार द्वार जाकर पैसा या अनाज मांगती हैं। सुआटा के पांचवें चरण में ये बालक बालिकाएं मिलकर टेसू तथा झिंझिया ढिरिया का बिहा रचाते हैं।
बालक टेसू की बारात धूमधाम से लेकर झिंझिया के घर जाते हैं। महिलाएं झिंझिया नृत्य करती हैं। सारी वैवाहिक रस्में पूरी होकर खेल समाप्त हो जाता है। इस लेख का प्रतिपाद्य टेसू है, अतः इसके अंतर्गत आने वाले प्रसंगों की उक्त चर्चा केवल पृष्ठभूमि समझने के लिए है। उन प्रसंगों की विस्तृत चर्चा यहाँ प्रासंगिक नहीं है, किंतु इस लोक पर्व से जुड़ी लोक कथा को समझ लेना आवश्यक है। उसका सार तत्व इस प्रकार है। सुआटा नामक एक दैत्य किशोरी कन्याओं को परेशान करता था। जब वे सहेलियों के साथ वन विहार को जाती थीं, तब वह दैत्य उन्हें परेशान करता, छेड़ता तथा पूजा करने को बाध्य करता था। बालिकाएं चंद्र बलि तथा सूरज बलि नामक धर्म भाइयों से रक्षा की याचना करती तथा उनके संरक्षण में सुरक्षित घर पहुंचने की अनुमति लेकर वनों से चलती थी। फिर भी दैत्य की छेड़खानी जारी थी। कन्याएं माँ गौरी से भी प्रार्थना करती थी उस दैत्य से मुक्ति के लिए। इसी बीच टेसू नामक वीर का उदय होता है। वह सुआटा को परास्त करके झिंझिया के साथ ब्याह रचाता है। विवाह के पश्चात सुआटा का अंग प्रत्यंग लूटा जाता है, हाथ पैर तोड़कर फेंक दिए जाते हैं। उसके रत्नाल रंगकत आवरण तथा आभरण की प्रतीक कौड़ियां लूटकर लोग घर ले जाते हैं। विजय पर्व पर अर्जित संपत्ति की प्रतीक यह कौड़ियां तिजोरी में रखना लोग शुभ मानते हैं। लोक साहित्य के पुरोधा विद्वान बाबू कृष्ण नंद गुप्त ने एक भेंट में मुझे बताया था कि टेसू बंगाल में धान के तृण की फसल आने का प्रतीक है। वहां वह धान से टेसू बनाते हैं तथा प्रकारांतर से बंगाल में भी यह खेलते हैं। टेसू व्यक्तिवाचक संज्ञा है, अतः शब्द व्युत्पत्ति के विस्तार में जाना प्रासंगिक नहीं है। डॉक्टर सुरेखा जैन ने अपने अप्रकाशित शोध प्रबंध बुंदेलखंडी लोकगीतों में उपासना का स्वरूप में जिन तीन की वंदंतियों की चर्चा की है, उनमें से एक के अनुसार टेसू राक्षस सुआटा तथा उसकी पुत्री ढीरिया झिंझिया को सताता था। अंत में समझौता हुआ और सुआटा को टेसू के साथ झिंझिया का विवाह करना पड़ा। अभी भी टेसू खेलने वाले लड़के चोरी छुपे सुआटा नामक राक्षस के हाथ पैर तथा नाक कान काट लेते हैं। लोक कथाओं में पात्रों की स्वरूप भिन्नता की जो प्रवृत्ति देखने को मिलती है, उसका प्रभाव टेसू पर भी है। उपयुक्त दो लोक कथाओं को ही ले लें, एक टेसू रक्षक के रूप में है, दूसरे में प्रेमासक्त। सत्यता कुछ भी हो, किंतु यह लोक कथा चिरकाल से किशोर किशोरियों के मनोरंजन तथा विवाह संस्था संबंधी ज्ञान वर्धक का व्यवहारिक साधन रही है। कुछ लोग टेसू को लोक देवता के रूप में परिगणित करते हैं, किंतु हिंदुओं के देवी देवताओं में कहीं उनका नामोल्लेख नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है कि लोक जीवन में जो प्रेरक पुरुष के रूप में जन स्वीकृति प्राप्त कर सके, वे लोक देवता पद पर प्रतिष्ठित हो गए। बुंदेलखंड के गांव-गांव में लोक देवता हरदौल अपने आदर्श कृतित्व के कारण लोक व्याप्ति पा सके। संभव है टेसू को लोक देवता मानने वाले की उक्त धारणा रही हो, किंतु टेसू की पूजा गंभीर पूजा विधान में नहीं होती है, अपितु खेलों में ही उनकी चर्चा आती है। अतः उनकी गणना लोक देवता के रूप में करना उचित नहीं है। दूसरी ओर हरदौल बुंदेली लोक संस्कृति में एक अनिवार्य देवता है, जो शुभ कार्यों के प्रारंभ से नवदंपत्ति के गृह प्रवेश तक सर्वत्र पूजित वंदित एवं गाए जाते हैं। टेसू गीत तथा खेल की अवधि शारदीय नवरात्रि से अश्विन पूर्णिमा तक है। कहीं यह पूरी नवरात्रि, कहीं अष्टमी से चतुर्दशी तक तथा कहीं नवमी से पूर्णिमा तक खेला जाता है, किंतु नवरात्रि में प्रारंभ होने के कारण साहित्यकारों ने इसे शारदीय नवरात्रि में गाया जाने वाला लोकगीत माना है। हिंदी साहित्य कोश तथा सम्मेलन के मानक कोश में टेसू गायन की अवधि यही मानी गई है। डॉक्टर सुरेखा जैन के शोध प्रबंध बुंदेलखंडी लोकगीतों में उपासना का स्वरूप में यह लिखना त्रुटिपूर्ण एवं भ्रामक है कि टेसू पितृपक्ष में
बालकों द्वारा सामूहिक रूप से खेला जाने वाला मनोविनोदात्मक खेल है। पितृपक्ष में टेसु गाने की परंपरा मुझे कहीं देखने, सुनने या पढ़ने को नहीं मिली। टेसु खेलते समय बालक बांसों की खपच्चियों से बनी एक पुरुषाकृति हाथों में लेकर चलते हैं। इसे ही टेसु कहते हैं। कहीं कहीं इसे पुतले का रूप देकर पूर्ण वीर वेश में हाथों में तीर कमान अथवा तलवार लिए हुए बनाते हैं। इसके सिर पर मुकुट या साफा तथा शरीर पर राजसी अलंकरण होता है, किंतु कहीं कहीं केवल तीन पासों की खपच्चियों पर एक सिर मात्र रख कर घूमते हैं। डॉक्टर सत्य गुप्ता ने खड़ी बोली के लोक साहित्य में लिखा है कि कृष्ण द्वारा बभ्रुवाहन को मूर्ख बनाने की स्मृति में टेसु खेला जाता है। कहा जाता है कि महाभारत कालीन योद्धा बभ्रुवाहन को मरणोपरांत शमी वृक्ष पर रखे अपने सिर से महाभारत युद्ध देखने का वरदान मिला था। इस कथानक के रूप में तीन लकड़ियां शमी वृक्ष तथा उस पर रखा सिर बभ्रुवाहन का प्रतीक है। कुछ संदर्भों के अनुसार उक्त कथानक बर्बरीक से संबंधित है, न कि बभ्रुवाहन से। टेसु खेलने में किशोर बालक एक झुंड के रूप में टेसु का पुतला लेकर सड़कों, गलियों तथा मोहल्लों में निकलते हैं। उसके शौर्य गीत गा गा कर द्वार द्वार घूम कर पैसा अथवा अनाज उगाहते हैं। पूर्णिमा के दिन संचित अनाज का नंदीकरण करके टेसु का विवाह संपन्न कराते हैं। लोकगीतों में टेसु यद्यपि एक उद्धारक के रूप में चित्रित है, किंतु बुंदेली लोक जीवन में वह बने ठने हास्यास्पद दिखने वाले व्यक्ति का पर्यायवाची बन गया है। लोग ऐसे व्यक्ति को देखकर कहने लगते हैं, वह टेसु सा लगता है। टेसु के लोकगीत अनादि अनंत हैं, ना उनका प्रारंभ प्रामाणिक है ना अंत। तमाम सारी ऊटपटांग बातों एवं मनोविनोदी प्रसंगों को भी इनमें जोड़कर द्रौपदी के चीर सा लंबा करते बालक थकते नहीं हैं। उनमें टेसु गीत प्रारंभ करते ही आशु कविता की प्रतिभा जाग जाती है। ऊटपटांग तथा संदर्भहीन बातों को भी बालक किस प्रकार रोचकता के साथ प्रस्तुत करते हैं, यह समझना इस गीत के मनोविनोदात्मक पहलू को उजागर करने के लिए आवश्यक है। अलग अलग स्थानों तथा अलग अलग झुंडों द्वारा गाए जाने वाले लोकगीतों को समग्र रूप में रख कर ही टेसु की समन्वित तस्वीर सामने आती है।